शराब घोटाले मामले में पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक और मामले में बढ़ गई हैं, क्योंकि सोमवार को 6 साल पुराने मानहानि के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है। अब ये मामला क्या है और अदालत ने केजरीवाल को झटका देते हुए क्या कहा, चलिए ये आपको हम बताते हैं। दरअसल आप नेताओं ने दिसंबर 2018 में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि भाजपा के निर्देश पर चुनाव आयोग ने बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। अब केजरीवाल के इसी ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता ने कर दिया मानहानि का मुकदमा। दिल्ली बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल पर 2019 में पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया था कि बीजेपी दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदाय प्रभावित हुए हैं। यानी बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दायर कर भाजपा की साख को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल और आपके कई नेताओं पर भी मानहानि के अपराध में कार्रवाई करने की मांग कर दी। तो निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे को केजरीवाल ने रद्द करने की गुहार लगाई, जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि लोकतंत्र ने नागरिकों को सच्ची और सही जानकारी जानने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दी जाती। भाजपा के खिलाफ आप नेताओं के आरोप मानहानि कारक है और अनुचित राजनीति लाभ लेने के आरोप लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर 5 सितंबर को शराब घोटाले वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। अब देखना यह होगा कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को राहत देता है या फिर झटका। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।